बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सैयदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबीका या सैयदी या हबीबल्लाह मोहतरम जनाब हाजी गुलाम अली साहब गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा मियां मोहम्मद अली साहब फॉर्मर प्रेसिडेंट लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफिस बेयरर्स फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री माई फॉर्मर ऑफिस बेयरर्स लाहौर चैम्बर माई फॉर्मर एंड सिटिंग एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर्स ख़वातीनो हज़रात मीडिया पर्सन्स अस्सलामु अलैकुम। मैं गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा मोहतरम जनाब हाजी गुलाम अली साहब को लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज में खुश आमदेद कहता हूँ। हाजी साहब, आपने लाहौर तशरीफ लाकर हमारी इज्जत अफजाई की है, जिसके लिए हम आपके बहुत मशहूर हैं। आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए मैं सबसे पहले चार्टर ऑफ इकॉनमी के हवाले से बात करना चाहूँगा। हमारा मुल्क इस वक्त शदीद सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार है, जिसके बराह रास्त असरात हमारी मईशत पर रोनमा हो रहे हैं। हमारे मुल्क के हालात इस बात के मुतकाजी हैं कि मुल्क में इस वक्त ऐसा चार्टर ऑफ इकॉनमी बनाया जाए जिस पर तमाम सियासी जमातें इत्तेफाक करें, और जो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इक्तदार में आए वो इस चार्टर पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद करें। इस वक्त मुल्क में महंगाई की शरह 27% से ज्यादा है, जिसको बर्दाश्त करने के हम मुतहम्मिल हो ही नहीं सकते। पाकिस्तानी करेंसी के मुकाबले में डॉलर की कदर में इतना इजाफा होने की वजह से हमारे माशी मसाइल कई गुना बढ़ गए हैं। नई बैरूनी सरमायाकारी का आना तो दूर की बात है, मुल्क में मौजूदा बैरूनी सरमायाकारी भी बहुत कम सतह पर पहुंच गई है। स्टेट बैंक के पास ज़र मुबादला के ज़खायर तारीख की कम तरीन सतह पर आ गए हैं, जिसकी वजह से एक तरफ नई LC खोलना तो मुश्किल, दूसरी जानब हजार हा कंटेनर्स इम्पोर्ट फट फंसे हुए हैं पोर्ट के ऊपर, जिस पर हर गुजरते दिन के साथ डिटेंशन, डैमरेज और पोर्ट स्टोरेज चार्जेस ताजिर बरादरी को पड़ रहे हैं। हमारी बहुत सी सनअतें दरामदी सामान या खाम माल की अदम दस्तियाबी की वजह से बंद पड़ी हैं, और बाकी की सनअतें बमुश्किल चल रही हैं। इस वजह से बेरोजगारी में भी मजीद इजाफा हो गया है। अगरचे वफाकी वजीर बराए मेरीटाइम अफेयर्स की जानिब से यह बयान तो आया है कि कंटेनर डैमरेज और पोर्ट स्टोरेज वेव ऑफ कर दिए जाएंगे, लेकिन इस सिलसिले में कोई नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया। हम आपसे गुजारिश करते हैं कि तमाम इम्पोर्टर्स के लिए ये नोटिफिकेशन जल्द अज जल्द जारी कराया जाए। लाहौर चैम्बर ने सूरत हाल को पेश नजर रखते हुए पाकिस्तान के तकरीबन तमाम बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज के कायदीन को बजरिया खतूत मुतल्ला किया है कि हमने मौजूदा मुल्की माशी हालात को ठीक करने के लिए कुछ अहम तजावीज मुरतब की हैं, और इनको यह दरख्वास्त की है कि वो अपने अपने इकोनॉमिक मैनिफेस्टो हमसे शेयर करें, ताकि एक ऐसा चार्टर ऑफ इकॉनमी बनाने में मदद मिल सके जो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के मौकफ की तर्जमानी करता हो। मैं आपसे भी दरख्वास्त करूंगा कि आप इस हवाले से अपना किरदार अदा करें, ताकि आपके सूबे में सियासी तंजीमें हमसे ताबुन करें। इसमें कोई दो राय नहीं है कि मौशी इस्तेकाम के लिए सियासी इस्तेकाम बहुत जरूरी है। लाहौर चैम्बर सूबा पंजाब के तमाम चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के साथ मुस्तकिल रबते में रहता है, और हमारी हमेशा यही कोशिश रही है कि हम किसी मआशी मसले के देर पा हल के लिए इत्तेफाक़े राय से तजवीज पेश करें। हम आपके तवस्सुत से खैबर पख्तूनख्वा के चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के साथ भी अच्छे और गहरे वर्किंग रिलेशन के ख्वाह हैं। इस तरह इंटर प्रोविंशियल हार्मनी को बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। हाजी साहब, मैं आपको बताता चलूँ कि पिछले महीने हमारी रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने इस्लामाबाद में कन्वेंशन किया, और उसमें तकरीबन 54 चैम्बर्स ऑफ पाकिस्तान मौजूद थे, और हमने वहाँ पर यह फैसला किया कि अगर चार्टर ऑफ इकोनॉमी तमाम पॉलिटिकल पार्टी साइन नहीं करेंगी तो हम आने वाले इलेक्शंस का बायकॉट करेंगे, क्योंकि अगर मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं आ सकती। खैबर पख्तूनख्वा सियासत के अतबार से अपना कोई सानी नहीं रखता। हमारे मुल्क में ज्यादातर सियासती मुकामात आपके सूबे में वाक़ हैं। टूरिज्म के पोटेंशियल को एक्सप्लॉइट करने के लिए जरूरी है कि सियाहों के लिए होटल और दीगर सहूलियात को यकीनी बनाया जाए। हम जानना चाहते हैं कि नए सरमायाकारों को आपकी हुकूमत ऐसे कौन से इंसेंटिव दे रही है जिससे इस शेबे में बेहतरी मुमकिन हो सके।